बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। पर्थ टेस्ट में भारत की शानदार जीत, पहली बार पर्थ के ऑप्टस में टेस्ट मैच जीता भारत। टीम इंडिया के कप्तान बुमराह ने 8 विकेट लिए। बल्लेबाजी में भारत के लिए दूसरी पारी में जायसवाल और विराट कोहली ने शतक जड़ा। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से पहले रोका, हापुड़ में पुलिस ने आजाद की गाड़ी रोक दी। संभल हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद बोले, संभल में पुलिस ने गोलियां चलाई, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। संभल हिंसा का नया वीडियो आया सामने, कुछ लोग पत्थर चलाते दिखाई दे रहे हैं। संभल की मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी का दावा, बोले विक्रम संवत 987 के नक्शे में मंदिर होने का प्रमाण है, संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। संभल हिंसा पर राहुल गांधी का बयान, बोले 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार का रवैया पक्षपात और जल्दबाजी भरा। संभल में पथराव की घटना पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो घटना हुई है वो दुखद है, जांच होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट को मामले का संज्ञान लेकर इंसाफ करना चाहिए। शीत सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम का संबोधन, का संसद का यह सत्र कई मायनों में खास है, हमारा संविधान 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। संसद सत्र से पहले बोले पीएम का, संसद में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम बोले मुट्ठी भर लोग घूरदंग करके संसद पर काबू करना चाहते, जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 27 नवंबर तक के लिए स्थगित हुई, लोकसभा और राज्यसभा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नया सीएम बनना तय, शिंदे और अजित पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम, बीजेपी के कोटे से बनेंगे 20 से 22 मंत्री। नई सरकार में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है, शिवसेना से बनाए जा सकते हैं 10 से 12 मंत्री। नई सरकार में अजित पवार को मिल सकता है वित्तीय विभाग, अजित पवार की पार्टी के बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। फडणवीस के सीएम बनने पर अजित पवार राजी, सूत्रों के मुताबिक अजित गुट के विधायकों ने फडणवीस के नाम पर समर्थन दिया है। आज दिल्ली आ सकते हैं महायुति के तीनों बड़े नेता, सीएम पद के नाम का हो सकता है ऐलान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने फडणवीस को सीएम की रेस में बताया सबसे आगे, कहा महायुति के तीनों नेताओं को इसका फैसला करना है। शिवसेना ने अपने विधायकों के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल में 60 से ज्यादा कमरे बुक करवाए, रविवार को एकनाथ शिंदे चुने गए विधायक दल के नेता। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल बोले महाराष्ट्र में हमारी जीत अप्रत्याशित, विपक्ष अब क्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं, अब वो ईवीएम और बहुत सारी बातों को दोष देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति की जीत पर बोली सांसद हेमा मालिनी, कहा अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए जनता बीजेपी का साथ दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर में लिखा बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग, विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिलने की वजह से जा सकती है मान्यता। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले आज शाम राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, महाराष्ट्र में हुई हार को लेकर करेंगे चर्चा। 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण, गवर्नर से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने दी जानकारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हमारा संविधान हमारा सम्मान पद यात्रा में हिस्सा लिया, योगेश्वर दत्त और मीराबाई चानू भी शामिल हुए। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की मोटी परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम में भी धुंध छाई रही, बढ़ते प्रदूषण से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने किया पानी का छिड़काव, इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आया ताजमहल, शहर के कई हिस्सों में खराब श्रेणी में है AQI। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की परत, प्रदूषण को काबू करने के लिए नगर निगम में शहर में किया पानी का छिड़काव। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा, फरीदपुर में 50 फीट की ऊंचाई से पुल से गिरी एक कार, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान की जीत के बाद हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एटा में उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फ से खेलते नजर आए टूरिस्ट। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दिखे प्रवासी फ्लेमिंगो, सैलानियों के बने आकर्षण का केंद्र।